धोनी पर भड़के रविंद्र जडेजा, कहा मैंने मैदान पर जो कुछ भी देखा मुझे वो कतई पसंद नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन दोस्तों उससे पहले क्या आप भी जडेजा की इस नाराजगी से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग की जा रही 15वें सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए साल 2008 से कप्तानी का जिम्मा संभालते आ रहे महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी का भार रविंद्र जडेजा को सौंप दिया, जिसके चलते IPL के 15वें सीजन में धोनी की जगह जडेजा कप्तानी कर रहे हैं और टीम को अपने पहले दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन लखनऊ के खिलाफ हुए मैच में जब धोनी की टीम मैदान में उतरी तो कप्तानी का काम जडेजा नहीं बल्कि धोनी करते नजर आए। धोनी ने पहले चेन्नई की फील्ड सेट की और उसके बाद पहला ओवर कौन डालेगा उसके लिए गेंदबाजी भी चुना। ऐसे में कप्तानी छोड़ने के बाद धोनी की इस हरकत से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजय जडेजा काफी नाराज नजर आए और उन्हें यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। जडेजा ने लखनऊ के खिलाफ चेन्नई के 6 विकेट से हार के बाद क्रिकबट से कहा, जितना खेल मैंने देखा ये गलत है, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे से बड़ा धोनी का कोई फैन नहीं है। जो उनका टेम्परामेंट है, जो वह चीजें करते हैं, 2 ही मैच हुए हैं और अगर आपने कप्तानी छोड़ दी है, नए कप्तान को कमान थमा दी है, अगर यही आखिरी मैच होता और करो या मरो वाली बात होती तो वह ऐसा करते तो समझ में आता। वहीं जडेजा ने धोनी के बारे में कहा, कई बार आप जरूरत के अनुसार कमान हाथ में ले लेते हैं तो समझ में आता है, लेकिन दूसरे ही मैच में जो देखने को मिला, और मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि रविंद्र जडेजा की बात है, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक विकेट फैन के तौर पर कि जडेजा बाउंड्री पर खड़े थे और आप पूरा गेम चलाते रहे, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए ऐसा बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो कुछ भी इस मैच में हुआ वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।